हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप कॉटन से सीड्स रिमूव कर सकते हो घर पे। तो देखिए, जब भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो उसी टाइम पे नहीं कर सकते, तो कभी कभी वो कॉटन ख़राब हो जाता है और फिर हमें लगता है कि उसमें डस्ट है। देखिए यहाँ पे, इसमें बहुत सारी डस्ट आपको दिखाई देंगी, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको दिखाई दे या ना पड़े, लेकिन इसमें बहुत सारी डस्ट भी है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम उसे रख रख के ख़राब समझते हैं और उसे डाल देते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इससे वो डस्ट आप कैसे निकाल सकते हो और उससे आप धागा कैसे बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं इससे हम डस्ट कैसे निकालते हैं। और एक बात भी मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू रिमूव सीड्स फ्रॉम दिस कॉटन। लेट्स गो। देखिए, इसे ऐसे हाथों से निचोड़ना है। ध्यान रखें कि सिर्फ आपको यहाँ से ये सीड निकालनी है। देखिए, मैंने ये सीड निकाल ली और वैसे ही ऐसे करते करते जो भी सीड्स इसमें हैं उसे सिर्फ आपको कॉटन को उस सीड से रिमूव करना है, न कि पूरा कॉटन आपस में रिमूव नहीं करना है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सीड्स निकालने जाते हैं और कॉटन जो है, सपोज़ ये कॉटन है, इसमें सीड्स है, तो बहुत लोग ऐसे करके निकालते हैं। ये देखिए, ऐसे करके निकालोगे तो ना ही इससे आपको धागा बनेगा और ना ही दिए की बाटी इसमें बन सकती है। तो इसे जब भी आप ये निकालोगे तो इसे सीड्स ऐसे निकालोगे। सिर्फ सीड ही निकालनी है, ध्यान रखें, उससे कॉटन नहीं निकालना है। अब इसमें तो मैंने सब निकाल दिया है। ये देखिए, यहाँ पे जो है, आपको दिखाई दे या ना दे, यहाँ पे डस्ट भी है और आप जब ये डस्ट निकालोगे तो वो भी ऐसे ही निकालना है जिससे उसमें कॉटन ना लगे ज़्यादा, क्योंकि हमारा कॉटन भी ख़राब हो जाता है उससे। ये देखिए, यहाँ पे भी एक डस्ट है, आपको दिखाई देती होगी या नहीं, क्योंकि बहुत छोटी है। तो मैंने इसे, देखिए यहाँ सबसे मैंने यहाँ से सीड्स रिमूव करके ली है। तो अब हम देखेंगे इससे धागा कैसे बनाते हैं और इससे ज्योति, आप जो दिए के लिए बाटी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले तो इसे अच्छे से भून के लेना है। देखिए, अब आप इससे अच्छी तरह से धागा निकाल सकते हो, ना ही इसको किसी ऑयल की, पानी की और किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल रहा है। सिर्फ ध्यान रखें कि ये जो आपका हाथ है जिसमें आप धागा पकड़ते हो उसे आप ऐसे करें। ऐसे करते रहिए जिसकी वजह से अच्छा सा धागा आपका निकल आए।
देखिए कितना मजबूत धागा निकल गया है। मैंने ऐसा किया तो भी ये टूट नहीं रहा है। अब इससे आपको आप धागा तो बना ही सकते हो और आप इससे बाटी भी बना सकते हो। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। ये आपकी तीन उंगलियाँ ऐसे रख के आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी आप ले सकते हो और 2 बार ऐसे करें। देखिए अच्छी तरह से आपकी ये बाटी बन गई है। इसमें आपस में जोड़ दीजिए और ऐसा करिए। ये देखिए और इसमें और एक जो दूसरा प्रकार रहता है बाटी का वो हम उसे भी कहते हैं। तो देखिए वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही उसको भून के लेना है। इसमें से थोड़ा मैं रख देती हूँ क्योंकि वो हमें फिर लगेगा। इसे ऐसे बीच में से पकड़ना है और ये दोनों साइड जो है वो आपस में मिलाना है। अब ये जो है ये बहुत पतली हो गई है, इसके लिए हमें और कॉटन लगाना पड़ता है। तो हम उसे कॉटन ऐसे लगाएंगे। देखिए मुझे यहाँ पे ना ही रंगोली यूज करनी पड़ी, ना ही वाटर यूज करना पड़ा और ना ही कुछ और, जिसकी वजह से ये अच्छे से बन सके। ऐसे करते रहिए। देखिए अच्छी तरह से आपकी ये विक्स तैयार हो गई। मैंने आपको ये 2 सिखाई है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसी हो गई आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।